विदिशा से सांसद और विधायक रहे पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई ने झारखंड के मुख्यमंत्री से की फोन पर चर्चा। जैन समाज के तीर्थ स्थल शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में किए जा रहे आंदोलनों की दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। भाजपा के वरिष्ठ नेता विदिशा के पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई ने शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने और विदिशा शहर जिले के साथ ही पूरे प्रदेश और देश भर में चल रहे आंदोलन की जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी। फोन पर हुई चर्चा में उनसे इस मामले का जल्द से जल्द हल निकलवाने की मांग वित्त मंत्री राघव जी भाई ने की। राघव जी भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें इस समस्या का स्थायी और जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जैन समाज को आहत करने का उनका कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। शिखर सम्मेलन का जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी से आपकी चर्चा हुई है झारखंड के मुख्यमंत्री जी से, क्या चर्चा हुई है, क्या है? ऐसा है कि सकल जैन समाज विदिशा और वैश्य महासम्मेलन के आग्रह पर मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आज दोपहर को 2 बजे फोन पर चर्चा की और उनसे ये निवेदन किया कि ये जो समय शिखर का मामला है, इससे पूरा जैन समाज पूरे देश भर में आक्रोशित है, आप इसका शीघ्र निराकरण करें। श्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं स्वयं पारसनाथ तीर्थ का बहुत सम्मान करता हूँ और मेरी ये कभी मनसा नहीं थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, हम शीघ्र ही इसका निराकरण करेंगे।